काय का होत है जब चिड़िया चुग गई। सूत्र बता रहा है महापुरुषों ने जो जीवन जीने के सूत्र दिए, वो सूत्र आपके सामने रख रहे। शुरुआत दुख से करो, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसका आनंद ही कुछ और। सुख के बाद अगर दुख आया तो वो भोगने में बहुत तकलीफ हो, इसलिए भगवान से कह दिया करो कि ना भगवान मेरे जीवन में दुख आएंगे, पर निवेदन ये है भी दुख तू किस्त में भेजा कर। काय में किस्त में से तो एक एक किस्त सब चुका रहे। मकान की भले मत चुकाओ, गाड़ी की भले मत चुकाओ, पर जीवन में सब जितने भी अपन बैठे वे सब एक एक किस्त चुका रहे। कैसी किस्त चुका रहे? कोई बेटा से दुखी किस्त चुक रही, कोई बेटी से दुखी किस्त चुका रहे, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी, या किस्त ही तो है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। किस्त चुका रहे सा? चलो बेटा अच्छा, बेटी अच्छी, पत्नी अच्छी, पति अच्छा, सास अच्छी, ससुर अच्छा, शरीर दुख दे रहा है। ये किस्त है। और जो भी इस पांडाल में बैठा है, जब इस दुख रूपी किस्त से राम और कृष्ण नहीं बच पाए तो आप और हम कहां लगा। यही कहो के ना तू दुख तो देगा, ये तो बराबर तय है कि दुख आएगा, पर भगवान तू किस्त में देगा। टुकड़े में छोटा छोटा, और जिनको मिल रहा है वो बराबर ये मान लेना कि ना साहब मैं परमात्मा का भगत हूं जो वो ये किस्त पूरी करवा रहा है। और जिनको नहीं मिल रहा है चका चक चारों कोने है, मान लेना ऐसा एक दिन आएगा ऐसी जगह ले जाके पटकेगा साहब, क्योंकि सड़क में और जीवन में कब गड्ढा आ जाए के नहीं सकते। ये ब्रेकर आए उसके पहले तो बोर्ड लगा रहे सावधान, आगे गति अवरोधक। अब अपने पास तो गाड़ी है नहीं, पर ये बैठते रहते हैं अपन लोगों के साथ। ये सोलंकी जी है, मनोज भैया ये बिठाल के घुमा है, तो अपन बैठे बैठे पढ़ते रहे हो गति अवरोधक है। पर आज तक कभी सोलंकी जी ऐसा आपने बोर्ड लिखा कि आगे गड्ढा है देखा कहीं ऐसा बोर्ड? क्यों सुधीर भाई ऐसा बोर्ड हमने तो नहीं देखा, आपने देखो तो बताइए भैया शाम को आओ। आगे गति अवरोधक है ये लिखा है, पर आगे गड्ढा है। अभी हम ये ईंट खेड़ी में कथा बांचने गए, रात को एक गांव गए तो भैया बगल में गाड़ी चला रही, वो बगल में बैठे के ब्राह्मण देवता साथ थे वो, और दो लोग वो बैठे। अब वो ड्राइवर अपनी गति में जा रहा, अब एकदम से आया और अच्छा बड़ा गड्ढा जो पटका है। वो तो अगर वो सामने का वो रे नहीं, वो क्या बोलते उसको, नहीं वो अपन बैठे थे सीट पे, वो प्लास्टिक का लगे वो आप क्यों नहीं मेयर बैग है, उस पे अगर हाथ नहीं टिकता तो बत्ती ही तोड़ देता। अब वो भी के पंडित जी अच्छो खासो रोड थो,
एकदम आया, मैं भी क्या करूं, ब्रेक मारा सा। अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है, कही की बहुत अच्छी गाड़ी साहब, 100 से तो नीचे ही नहीं है, एक्सीलेटर से पांव ही नहीं हट रहा है। पर जिस दिन वो एक गड्ढा आएगा, क्योंकि पछताया नहीं जो कहीं भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ेगा। इसलिए है दयालु, है करुणा निधान, तू जगत पति है, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से गड्ढा आए और वो मैं गड्ढा सहन नहीं कर। बार तैयार एकाद दुख उससे कह दिया करो के ना पटक दिया कर, वो भगवान भी खुश हो जाता है साहब। हम तो लोगों से ये कहते, मंदिर में कथा में आप जाते हो, मंदिर में भगवान के यहाँ क्या करने जाते हैं अपन, ईमानदारी से बोलना, यहाँ झूठ मत बोलना, क्योंकि ये भगवान का स्थान। मंदिर में अपन जा रहे, तीर्थ में अपन जा रहे, अपन मांगने जा रहे, काय के लिए जा रहे सब। पर हम लोगों से कहते, कभी कभी मंदिर में मांगने मत जाया करो, कभी कभी मंदिर में उस गोविंद से मिलने भी जाया करो। जैसे हफ्ता में 6 दिन गए काय के लिए, मांगने, पर एक दिन सकाओ जाकर कि ना गोविंद मैं तेरे से मांगने नहीं, मैं आज तेरे से मिलने आया। प्रसन्न हो जाएगा साहब, उसी दिन प्रसन्न हो जाएगा। ये ब्रजवासियों से क्यों इतना प्रसन्न रहता था, आप इतने भाई बहन बैठे, वो क्यों प्रसन्न रहता था वो ब्रजवासियों से, ये ब्रजवासी मांगने जाते थे कि मिलने। कभी बेचारों ने पानी गिरे, मूसलाधार बारिश करी इंद्र ने, बेचारे सब खड़े, ओ कन्हैया क्या भैया पानी गिर रहा रे, बिजली चमक रही, मूसलाधार बारिश हो रही है। उन्हें कही कन्हैया जब तू है तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है साहब। जंगल में आग लगी, उनने नहीं कही कि ये आग लग गई, यही वो चाहता। भगवान भी यही कह के, ये एक बार मेरे से इतनी कह दे कि तुम ये दे दो, मैं दे के और कर्जा मुक्त हो जाओ, पर बेबी इतने कल्ले साहब के नहीं। सुदामा मांगने गया कि मिलने गया, बोलो। गहनो की बातें दूर रही, तन पर साबुत चिथड़ा भी न था, भर पेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबुत तवा न था, कंगाली की ये हालत थी, बहुधा उपास हो जाते थे, फिर भी विरक्त रख कर मन को हरि भजन प्रेम से गाते। कथा तो उठा के पढ़ो आप, अपन सुदामा नाम का एक ब्राह्मण था, पर उसकी वृत्ति तो देखो, इतनी गरीबी, इतना दुख होने के बाद भी वो द्वारकाधीश के पास पहुंचा। रुक्मणी ने कही स्वामी जी चलो, पूरे जीवन भर तुम्हारी माला फेरी इसने नहीं मांगा, आज तुमसे मिलने के बाद मांगेगा। द्वारका नाथ ने कही देवी ये वो भगत है, मिलने के बाद भी नहीं मांगेगा। बोलो, सुदामा ने अपने घर की बताई, और जबकि भगवान ने पूछी भैया सुदामा घर कैसे है रे साहब, 3 दिन से उसके बच्चे भूखे साहब, पानी पी के सो रहे, और भगवान पूछे भैया सुदामा तेरे घर में क्या स्थिति है, अरे ठाकुर तेरी मौज है, चकाचक जड़ रही है,
अब वो भगवान के भैया सुदामा मैं घट घट की जानू रे, तू मेरा मित्र थारा घर की नहीं जानू, तू क्यों आया मेरे पास सुदामा ये बता क्यों आया। गोविंद मैं तेरे से तेरी याद आ रही थी, तेरे से मिलने आया रे। तब फिर कहना पड़ा है भगवान को के उद्धव में संत सदा ते प्यारे की मांगने बोलो जोर से। अरे सिकवा ना शिकायत कर परवरदिगार से, सो से अगर नीचे हो तो ऊंचे हो हजार से। सो शुरू करो ना साहब, किसी भी परिस्थिति रहे साहब। हम लोगों से कथा में कहते हाथ में मोबाइल भले मत रखना पर चेहरे पे स्माइल जरूर रखना। आज सबके हाथ में क्या रखे बोलो जल्दी, मोबाइल जिसको देखो वो यूं चलाए साहब। और आजकल तो कई कई जगह तो ये देखने में यहां भी दो ही जने पति पत्नी भी बात नहीं कर रहे, एक बा कोंडा में बा परमेश की बा। वो कोना में वो लगो उधर वो, और ऊपर से वे और लगा लिए दो। चेहरे पे स्माइल रखना, हाथ में मोबाइल भले मत रखना, किसी भी परिस्थिति में रहो, दुख आता है आने दो, प्रसन्नता का अनुभव। क्योंकि हम नहीं कह रहे, भागवत की कथा भी जो शुरू होती काय से, दुख से। नारद जी मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए निकले, नारद जी को पूरे संसार में कोई भी मनुष्य सुखी नहीं मिला, सब दूर घूमे आए नारद जी। काशी गए वहां दुखी, प्रयाग गए वहां दुखी, हर व्यक्ति नारद जी को दुखी मिला। पैसे वाले के पास गए बेदुखी, गरीब के पास गए बेदुखी, जिनकी संतान थी बेदुखी, जिनके नहीं है बेदुखी। नारद जी ने की ये हो क्या रहे हैं लोग, आखिर दुखी क्यों है। गरीब मीलों चलता है साहब भोजन कमाने के लिए, शब्द पे ध्यान देना, गरीब मीलों पैदल चलता है काय के लिए, भोजन कमाने के लिए, और अमीर मीलों पैदल चलता है भोजन पचाने के लिए। सवेरे देखना आप कई शहरों में जाना भी मॉर्निंग वॉक पे निकले, कई हो भैया बड़ है कब करो पैदल चलता है। कहीं हमसे भी के तुम भी चलो, अब हमने कि तुम के हो इधर चलो और उधर के पूजा पाठ में लगो, चलो का पूजा करा। देखो तो गणित तो उसका देखो, क्या गणित बिठाला उसने,
अभी गणित समझना, ईश्वर का गणित समझना आप सब। वो बेचारा घरे ही पैदल चला जा रहा, ओ काय के लिए पैदल चले भैया, ओ भैया काम के लिए पैसा चाहिए साहब, शाम को भोजन करूं, और अमीर पैदल चल रहा है भोजन पचाने के लिए, एक को मिल नहीं दिया दूसरे से पच नहीं दिया। गणित तो देखो, अरे परमात्मा, तो निवेदन आपसे कर रहे हैं, नारद जी को कोई भी सुखी नहीं मिला। जिनकी संतान नहीं नारद जी उनके पास गए, क्यों भैया क्या है हाल, ओ नारद जी हमारी संतान नहीं है, भगवान एकाध दे देता तो अच्छा था। नारद जी की चलो ठीक है, अब जिनकी संतान है उनके घर गए, क्यों भैया तुमको कई दुख है, तुम उदास बेटे, तुम्हारे कितने संतान, चार बेटा, तो फिर तुम मुंडा लटका के क्यों बैठे, ओ भैया नारद जी इससे तो भगवान एक भी नहीं देता। कई जगह यही माला फिर रहे साहब, हम जगह जगह कथा में जाते लोग मिले, बे के ओ महाराज इससे तो नहीं होते, तो ज्यादा अच्छा। आपसे एक बात पूछते हैं, संतान काय के लिए, मालूम कोई को जवाब, सुन के जाओ, संतान क्या कंधा देने के लिए है, नहीं, क्या संतान आग देने के लिए है, बोलो, संतों ने मना कर दिया, आग कोई भी दे देगा सा, ढेर खड़े है, कई लोग खड़े साहब आग देने के लिए, कंधा देने के लिए कई लोग खड़े, तो महापुरुषों से पूछा कि संतान काय के लिए है, संतों को लिखना पड़ा, ना संतान कंधा देने के लिए है, ना संतान आग देने के लिए है, संतान केवल मां बाप की हां भरने के लिए। बिट्टे भाई बहन बैठे आपसे प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे, राम ने अपने पिता दशरथ को आग दी कि नहीं दी, बोलो, नहीं दी, कंधा दिया कि नहीं दिया, राम ने ना अपने पिता को आग दी ना अपने पिता को कंधा दिया, पर आज मंदिर कौन के बने हैं, बोलो, राम के बने। अच्छा, अपने गांव में ऐसा कोई औलाद कर दे जो माँ बाप को कंधा नहीं दे, माँ बाप को आग नहीं दे, बोलो जात से बंद करोगे कि नहीं, पूरा गांव थूकेगा कि नहीं, अरे कैसी औलाद, बाप को कंधा नहीं दे रहा है, अग्नि नहीं दे रहा है, और किसी ने राम से भी कही, राम आपने अपने पिता को ना अग्नि दी ना आपने अपने पिता को कंधा दिया, फिर भी आपकी जय जयकार हो रही क्यों, उस समय राम ने कही, मैंने ना अपने पिता को आग दी ना कंधा दिया, मैंने अपने पिता की केवल हां भरी है। बोलो क्या भरी राम ने, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए, मेरा पिता मेरी माँ के सामने लाचार हुआ, मेरा पिता बोला नहीं, आंख दब दबा के मेरे सामने मेरे पिता को जब मैंने देखा, उसी समय राम ने निर्णय लिया, पिताजी औलाद केवल हां भरने के लिए है, आप विवश मत हो, आप आदेश मत दो, के कैसे राम जी ने कहा, माँ तेरे हाथ जोड़ू, तू तो 14 बरस का वनवास मांग रही है, अगर मेरा पिता प्रसन्न रहे तो राम 14 साल नहीं, राम पूरी जिंदगी जंगल में निकाल देगा साहब,
बोलो काय के लिए राम ने क्या किया इतने बैठे क्या भरी। हाँ भरी अब अपने अपने घर में देख लो अजा उधर सीधर घूम के। अगर हाँ है हाओ फिर आगी दे और चाय आगी और अगर ना है फिर चाय चंदन की लकड़िया में भी धर के अगर जला दे कई मतलब नहीं है। हाँ भरे संतान का काम प्यारे भाइयों बहनों केवल कई जगह हम जाते साहब लोग बड़ी शिकवा शिकायत करते पंडित जी बड़े दुखी हम क्या बताए क्या करे भैया हमने कि अब हम भी इतना नहीं जाने अब इन जे सुधरते तो हम सुधार देते जे नहीं सुधरे अब तो अपन सुधर जाओ। और निवेदन भी यही कर रहे कोई को सुधारने का प्रयास करना भी मत भी नहीं सुधरे। अपने प्यार है तो भी ठीक नहीं है तो भी ठीक। वो नारद जी सारे संसार का भ्रमण करते करते अंत में वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में नारद जी ने एक आश्चर्य देखा एक स्त्री युवा बैठी वो जोर जोर से रो रही उसके पास दो पुरुष लेटे वो वृद्ध थे बेहोश। नारद जी उस स्त्री के पास से गुजरे उसने आवाज दी गुरुजी ठहरो रुक गए। कौन हो बेटी आपका परिचय। उसने कही गुरुदेव मेरा नाम भक्ति है ये मेरे दो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। बेटी स्थिति कैसी बन गई तुम्हारी कि माँ जवान और बेटे बूढ़े। गुरुदेव ये युग का प्रताप है युग का प्रताप है सर क्योंकि ये कलयुग जो है ये तमोगुणी युग है। इसका स्वरूप कैसा है तमोगुण एकदम काला सा है ये इसलिए यहां काले काम ज्यादा होंगे ये तमोगुण को बढ़ाता है। आपसे शुरू में निवेदन किया काम अपने आप भड़कता है क्रोध अपने आप भड़कता है कई बात बात में खींचे मान लेना उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव ज्यादा है कई की आदत रहती बहुत खींचे साहब उनका घर का भी के इतनी गुस्सा करे यो मैं तो कही करूं पंडित जी अब ठीक है सेन कर ही रही है करूं कही अब मान लेना वो कलयुग की चपेट में क्योंकि वो तमोग उनको ज्यादा बढ़ाता वो देवर्षि नारद से भक्ति भी कह रही के देवर्षि ये युग का प्रताप है ज्ञान और वैराग्य मनुष्य के अंदर रहेंगे तो पर बूढ़े रहे ज्ञान सबके पास है। अच्छा बोलो इतने बैठे कोई ऐसा कह सकता हाथ उठा के जो कह दे मेरे को ज्ञान नहीं है। ज्ञान सबको है सब पढ़े लिखे शराब की बाटल पे लिखा कि नहीं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बोलो लिखा कि नहीं। अच्छा जो पी रही आप वही पढ़ के बता रही आप विचार तो करो आप जो पी है वही कि देखो यो लिखियो सिगरेट के पैकेट पे लिखा कि नहीं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अच्छा बगैर पढ़ा लिखा पढ़ सकता क्या जो पढ़ा है वही तो आपको पढ़ के सुनाएगा और वही दे रही यार। ज्ञान तो है पर ज्ञान कैसा है सोया हुआ है। वो तो भगवान ने अच्छी कृपा करी जासलपुर गांव में जो 7 दिन कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत तो जग जाए वो तो कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जानकारी देना
कि ना कथा चालू हो गई 1 बजे से 4 बजे तक। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और निवेदन कर रहे आपसे, कथा में कोई बुलौआ की रास्ता मत देखना भैया। वैसे तो बुलौआ गया होएगा, और मान लो नहीं गया तो ये माइक से आज जहां तक भी आवाज जा रही है और जिनके कान में ये आवाज पड़ रही है, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं भैया, सब कथा में सादर आमंत्रित है। आपसे निवेदन करते हैं, कुछ जगह महापुरुषों ने ऐसी लिखी वहां बुलौआ की रास्ता मत देखना, भले चाहे शत्रु के यहाँ भी है। नंबर एक, भगवान की कथा शत्रु के यहाँ भी हो रही है तो आप चले जाओ। और नंबर दो, अर्थी में, ये दो जगह ऐसी, इनमें बुलाऊगा मत देखो। अच्छा कोई मर जाए तो बुलाऊगा फिर कि चलो फलाना गया कहीं नहीं जावे। एक कथा में बुलावे की रास्ता मत देखना, और दूसरा अर्थी में कोई मर भी गया और हमारा कट्टर शत्रु मरा है, आप जाइए उसको कंधा दीजिए, बुलाने की रास्ता मत देखो, पुण्य लगेगा। अगर ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाना है तो उसका एक ही साधन है, वो है भगवान की कथा। ये भक्ति कह रही है कि देवर्षि मेरे बेटों के लिए आप कुछ करिए। तब देवर्षि नारद ने उनके कान में वेद मंत्र बोले, वो कुछ देर जाग जाते फिर सो जाते, फिर जाग जाते फिर सो जाते। अंत में आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद सत्कर्म करिए। तब देवर्षि नारद तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम आए, और बद्रिकाश्रम में देवर्षि नारद की भेंट सनकादियों से हुई, और सनकादियों ने कहा आप कोई तपस्या मत करो, आप केवल भगवान की कथा कराओ। ये भगवान की कथा ज्ञान और वैराग्य भक्ति इन तीनों के दुखों को समाप्त कर दे। गंगा तट पर कथा हुई, और जैसे ही कहते कथा का महात्म ही चल रहा था, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री नाथ नारायण वासुदेव। पांडाल में आ युवा हो, सत्संग से, परमात्मा की कथा से ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते, जागृत हो जाते। अभी कैसे अपने अंदर सो रहे, आपसे कहा ना ज्ञान सबके पास। पर एक सज्जन एक बार हरिद्वार गए, गंगा स्नान को गए भी। अब गंगा स्नान को जैसे ही उन्होंने गंगा स्नान करके बाहर निकले, एक पंडा जी आ गए। पंडा जी ने उनका हाथ पकड़ा,
बोले हरिद्वार आए हो तो कुछ ना कुछ देकर जाओ। उन्होंने कही हम पैसा नहीं देंगे। बोले पैसा नहीं दे रहे, तुम्हारे पास अवगुण होंगे? बोले है। बोले कितने? बोले हजारों है। तो बोले हरिद्वार आए हो तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाओ। उसने सोची क्या छोड़ू, उसकी जो तुम्हारी बुराई हो वो छोड़ो। वो के नहीं छोड़े तो बोले हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो पंडा जी हाथ पकड़ के खड़े, वो आंख बंद करके सोचे क्या छोड़ू, बीड़ी पीना छोड़ू वो छूटे नहीं, चाय छोड़ू वो छूटे नहीं, भोजन छूटे नहीं, सोना छूटे नहीं, चांदी छूटे नहीं। बड़ी देर उसने आंख बंद करके खड़ा रहा और एकदम से कहा छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। पंडा जी ने पूछा क्या छोड़ दिया? बोले आज से हरिद्वार आना छोड़ दिया। अब क्या कहोगे आप? ऐसी ऐसी भी मूर्ति, गजब दिमाग चले साहब उनको, स्पेशल ज्ञान है उनको। कई जगह हम भी कथा में जाते हैं, ऐसे अड़सा डाले साहब उनके प्रश्न तो सुनो। एक जगह कथा में हमसे एक प्रश्न किया, पंडित जी एक बात बताओ आकाश में लड़ाइया कब बोले? प्रश्न तो देखो उनके हैं, और कहां कहां से लाए वे सोच के। बोला पंडित जी आकाश में लड़ाइया कब बोले? हमने कि भैया आकाश में लड़ाइया तब बोले जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेके आ रहे थे, पूरा पर्वत उठा लिया। अब पर्वत पे शेर भी रहे और सियार भी रहे। जैसे ही हनुमान जी पर्वत लेके उड़े, ठंडी हवा लगी तो वे लड़ाइया वाह वाह करने लगे। बड़ा दिमाग साहब। पर हम लोगों से ये कहिए, जितनी बुद्धि आप ये फालतू के काम में ज्ञान लगा रहे, उतना अगर स्वयं के चिंतन में और भगवत चिंतन में लग जाए तो साहब मनुष्य के जीवन का रहना और मनुष्य की जीवन की मृत्यु दोनों का ढंग बदल जाए। रहनी बदल जाए। उन्हीं ये इस तरीके का ज्ञान कोई मतलब का थोड़ी। भागवत में कथा है आत्मदेव ब्राह्मण की, आपने सुना होगा, कथा सुनी होगी। ब्राह्मण है, ज्ञानी व्यक्ति है, पर काय से दुखी है, संतान नहीं है। जो धर्म पत्नी है धुंधली, वो करकसा है, रोज लड़ती है। और हम तो लोगों से यही कहते, जे अगर व्यवस्था जिसके घर में है मान लेना परमात्मा के विशेष भगत हो। जिनके घर में पत्नी लड़ाई वाली मिल जाए, जो सुबह दोपहर शाम लड़े, मान लेना भगवान के विशेष भगत हो। अब कई कहेगा पंडित जी पागल हो गया, लड़ने वाली पत्नी मांगो भगवान से, इसलिए मांगो कि उससे मुंह नहीं होगा। और मुंह नहीं होगा तो भजन होएगा साहब।